दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम टुडे के YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नर के बारे में। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को गवर्नर के बारे में पता होनी चाहिए वो ये है कि गवर्नर को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। याद रखिएगा, गवर्नर सिर्फ स्टेट में होते हैं और यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर गवर्नर नहीं होता, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली है अनिल बैजल और इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के वो थे नजीब जंग, जिन्होंने दिसंबर में अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सबमिट कर दिया था। आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूशन का हमें ये बताता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति को दो या उससे ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी विद्यासागर राव गवर्नर है महाराष्ट्र और तमिलनाडु के। याद रखिएगा, जो गवर्नर है उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जहां रहते हैं उस जगह को बोला जाता है राजभवन। याद रखिएगा, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर को ओथ दिलाते हैं उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट और गवर्नर अपना रेसिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। गवर्नर का जो टर्म होता है वो नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो गवर्नर को उनके टर्म से पहले हटा सकते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस किया जाता है, लेकिन गवर्नर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है जब कभी वो किसी गवर्नर को अपॉइंट या रिमूव कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट चाहें तो वो किसी भी गवर्नर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को जितने चाहे उतनी बार गवर्नर बना सकते हैं और गवर्नर के रीअपॉइंटमेंट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। कोई भी व्यक्ति गवर्नर बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की पोजीशन नहीं होल्ड कर रहा हो और वो किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का मेंबर नहीं हो। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नर के क्वालिफिकेशन के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के पावर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। एग्जीक्यूटिव पावर्स में एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट और रिमूवल्स के बारे में बताया जाता है। याद रखिएगा, गवर्नर उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और उन्हें पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है। गवर्नर चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को कंसल्ट करते हैं जब वो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। लेजिस्लेटिव पावर्स में लॉ मेकिंग और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड आइटम्स होते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स को समझाने से पहले मैं आप लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। जैसे पार्लियामेंट सेंटर में होता है, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा और लोअर हाउस बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद और अपर हाउस बोलते हैं। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है।
याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में तो होती है, लेकिन दो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी में भी होती हैं। टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया में 31 है, 29 स्टेट्स की और दो यूनियन टेरिटरीज की। याद रखिएगा, इंडिया में टोटल 7 स्टेट्स हैं जहां पर दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। ये 7 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे पेपर में काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ हर स्टेट में अलग अलग होती है। मिनिमम मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ छोटी स्टेट्स जैसे कि सिक्किम, गोवा और मिजोरम में मिनिमम स्ट्रेंथ 60 से कम होती है। याद रखिएगा, बिगेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली उत्तर प्रदेश की है और इसमें टोटल 403 मेंबर्स हैं। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को हम एमएलए बोलते हैं और ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होता है। गवर्नर एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म जनरली 5 साल का होता है, लेकिन गवर्नर चाहें तो लेजिस्लेटिव असेंबली को 5 साल से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। इमरजेंसी के टाइम पर लेजिस्लेटिव असेंबली को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं। एक व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा हो और वो उस स्टेट के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए जो आप लोगों को याद रखने हैं। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म 5 साल नहीं 6 साल होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली का लॉ बनाना होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कि वो पुलिस, प्रिजन, इरिगेशन और एग्रीकल्चर जैसे चीजों पर लॉ बनाने की। याद रखिएगा, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास 14 दिन का समय होता है बिल पास करने का या फिर चेंजेस सजेस्ट करने का लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। याद रखिएगा, इंडिया में सिर्फ 7 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होनी चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल की 1/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 लोग हैं तो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100 हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी होती है और इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को एमएलसी बोला जाता है और ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनमें से 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं हर 2 साल में। लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 6 साल का होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं एमएलसी बनने के लिए। एक व्यक्ति एमएलसी बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन हो, उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा हो, उसका नाम उस स्टेट के वोटर लिस्ट में हो जहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलसी के जो आप लोगों को याद रखने हैं। याद रखिएगा, उस स्टेट का गवर्नर 1/6 मेंबर नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में जिनके पास बहुत नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स,
कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। याद रखिएगा, मनी बिल गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनका कंट्रोल होता है स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड पर। कॉन्टिजेंसी फंड इमरजेंसी के टाइम यूज किया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में। अगर कभी गवर्नर ऑब्जर्व करते हैं कि उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, तो उस केस में गवर्नर अपनी एक रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं ताकि उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सके। अगर गवर्नर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। याद रखिएगा, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 से लगती है। इसके अलावा गवर्नर के पास पावर होती है पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट और रेमिट करने की किसी भी व्यक्ति को जो कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड होते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर के बारे में जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स के बारे में बताऊंगा जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हैं ओम प्रकाश कोहली। ओम प्रकाश कोहली गवर्नर हैं गुजरात और मध्य प्रदेश के। नरेंद्र नाथ वोरा गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। सी विद्यासागर राव गवर्नर हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु के। नजमा हप्तुल्ला गवर्नर है मणिपुर की। कल्याण सिंह गवर्नर है राजस्थान के। और राम नायक गवर्नर है उत्तर प्रदेश के। याद रखिएगा, किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की और अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि तेलंगाना के गवर्नर कौन है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गवर्नर के बारे में जो आप लोगों को पता होने चाहिए। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।